इस देश के अंदर दो तरह की विचारधारा चल रही है। एक विचारधारा है वो पूरे देश के अंदर सांप्रदायिकता का जहर घोलने का काम कर रही है, वो है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा। और एक जो विचारधारा है वो है कांग्रेस की, जिसका जन्म 1885 में हुआ, देश की आजादी के लिए लड़े, आजादी मिलने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान बनाया उस संविधान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जिस देश में आजादी से पहले सड़क नहीं थी, स्कूल नहीं थे, लॉ की डिग्री तक यहां नहीं मिलती थी, लेकिन आज हमारा सौभाग्य है कि चाहे वो महात्मा गांधी जी हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे इंदिरा गांधी जी हो, सबके नेतृत्व में पूरे देश में विकास हुआ और आज हम समानता का दर्जा मिला, हमें स्वतंत्रता का दर्जा मिला और पूरे विश्व के अंदर भारत एक ताकत बन के उभर रहा था। लेकिन आप देख रहे 2014 के बाद मोदी और अमित शाह ने नारा दिया अच्छे दिन आने वाले हैं, 2 करोड़ को रोजगार देंगे प्रतिवर्ष, आपको 15-15 लाख रुपए खाते में देंगे। और 2014 के बाद हमारी हालत यह हुई है कि सबसे पहले 8 नवंबर 2016 को इन्होंने नोटबंदी लगाई, पूरे देश में हमारी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई और पूरे विश्व में आज हमारा रुपया जबरदस्त नीचे गिर रहा है, हमारे लोगों की जो है मजदूरी खत्म हो गई। और उसके बाद जब लोगों में जनता में लाइनों में खड़े होकर के बैंकों के सामने मरने लगे, लोगों ने आत्मदाह किया, बहुत सारे लोग अपना रुपया निकालने के लिए बैंकों के सामने खत्म हो गए, तो मोदी जी ने आकर कहा 50 दिन के बाद, मैं 50 दिन के अंदर अगर नोटबंदी की समस्या खत्म नहीं हो जाए तो मुझे किसी भी चौराहे पे ले जाके फांसी लटका देना, ये मोदी और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। लेकिन आज हालत क्या है, हमारे पूरे देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, हमारे देश की संवैधानिक संस्थाएं चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो बीएसएनएल हो, चाहे एयरपोर्ट हो, सब इन्होंने बेचने का काम किया है, पूरा देश अंबानी और अडानी के आपको पता है संगुल में फंस चुका है। आज देश में करोड़ों अरबों रुपए यहाँ के इनके लोग, नीरव मोदी ले गया 30,000 करोड़ रुपए बैंक से विदेश में भाग गया, मोहन चौकसी ले गया 15,000 करोड़ रुपए, 9,000 करोड़ रुपए ले गया, हमारा विजय माल्या इनका जो सांसद था 5,000 करोड़ रुपए ले गया ललित मोदी, हमारे बैंक दिवालिया हो रहे, महंगाई धर्म सीमा पर है और लोगों को धर्म के नाम पर पूरे देश में जहर छिड़कने का काम कर रहे हैं। इसलिए आपको क्या करना है कि एक तरफ वो विचारधारा जो पूरे देश में सांप्रदायिकता का जहर घोल रही है और एक तरफ वो विचारधारा जो संविधान को आगे बढ़ा रही है, पूरे देश में विकास की बात कर रही है, महिला और पुरुष को बराबर का दर्जा देकर आगे का बढ़ाने का काम कर रही है, उसका नाम है कांग्रेस। आज मुझे खुशी है, मैं सीपी जोशी साहब और मुख्यमंत्री जी का स्वागत करना चाहता हूं एज ए जयपुर का प्रभारी होने के नाते, कि एक साधारण कार्यकर्ता की मूर्ति अनावरण में आपने जो पधारकर इनका सम्मान दिया है, ये किसान का सम्मान दिया है, आपने पार्टी कार्यकर्ता को सम्मान दिया है। हमें खुशी है कि एक तरफ महंगाई बढ़ा रही है बीजेपी सरकार और एक तरफ आप जो पूरे राजस्थान में गांधी के रूप में जाने जाते हैं, विकास पुरुष के रूप में जाने चाहते हैं, इस महंगाई के अंदर महिलाओं के लिए आपने 500 रुपए का गैस की टंकी कर दी, आपने आज 500 रुपए के हमारा जो चिरंजीवी योजना है आपने 25 लाख का इलाज फ्री कर दिया, किसानों के लिए बिल फ्री कर दिए, गांव गांव में पशु स्वास्थ्य केंद्र खोल दिए। आज मैं आया हूं सुबह खाजूवाला से, जो पाकिस्तान की सीमा मेरा विधानसभा है, लेकिन खुशी है कि वहां आज आम नौजवान, आम बुजुर्ग, आम महिला आज हमारा स्वागत के लिए वो तैयार रहते हैं। ओपीएस देकर के आपने मोदी को ललकार दिया है कि पूरे भारत के अंदर या तो ओपीएस लागू करो नहीं तो मोदी जी आपके घुटने टिका देंगे। आपको याद होगा 3 कृषि कानून काले कानून लाए मोदी जी और 378 दिन किसान धरने में बैठा रहा दिल्ली पर, और उन्होंने कहा कि हमें मरना मंजूर है, हम आजादी की लड़ाई हमने नहीं देखी, पर मोदी तेरे घुटने टिका देंगे। 378 दिन बैठे हम भी गए थे वहां, 700 किसान शहीद हुए, आखिर में मोदी को झुकना पड़ा और ये कहना पड़ा मैं माफी मांगता हूं। एक किसान भाइयों यादव चौधरी चरण सिंह का कथन, उन्होंने कहा था पांव खेत में नजर जयपुर और दिल्ली पे होनी चाहिए, पांव खेत में इसलिए जरूरी है कि वहां अनाज पैदा होता है, दिल्ली और जयपुर में नजर इसलिए जरूरी है कि वहां चुनकर जाने वाले लोग जनता के सेवक होने चाहिए। हमारे जनता में आरएसएस के लोग काबिज हो गए हैं, हमारे केंद्र में और संवैधानिक
हमारे केंद्र में और संवैधानिक संस्थाओं पे ये आरएसएस के लोग काबिज हो गए हैं। इनका क्या रोल था आजादी में? इन्होंने नाखून तक नहीं कटवाया और 47 में हमें आजादी मिली। 48 में जो हमारी आजादी का नेतृत्व कर रहे थे महात्मा गांधी, इन्होंने उनका जो है गोली मार के हत्या करने का काम किया। एक 80 साल के बुजुर्ग नेता को गोली मारी, अगर उनमें कोई जान होती नाथूराम गोडसे में तो किसी अंग्रेज राजा को गोली मारता। तो ये हम समझते कि ये राष्ट्रभक्त है, ये बनावटी लोग है। 52 साल तक नागपुर में इन्होंने तिरंगा नहीं फहराया, आज घर में ये तिरंगा लेके फहर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं साथियों कि एक तो चल रहा है धर्म निरपेक्षता का रथ, जिसकी नेता है सोनिया गांधी, जिनके नेता है राहुल गांधी, जिनके नेता है अशोक गहलोत जी, जिनके नेता है सीपी जोशी और कटारिया साहब, और एक तरफ ये सांप्रदायिकता का जहर घोल रहे हैं, जिनका नेता था नाथूराम गोडसे, जिनका नेता था सावरकर, जिनके नेता है मोदी और अमित शाह। पूरा देश इन्होंने अंबानी और अडानी को बेचा है, और अडानी की क्या हालत है वो फर्जी वाला सामने आ चुका है। इन्होंने फर्जी कंपनियां बनाकर हमारे LIC और बैंकों को दिवालिया करने की साजिश की है। इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूं कि आज आप संकल्प लेकर जाए भाई जगदीश जी की मूर्ति के अनावरण में नानूराम जी को याद करते हुए आप ये संकल्प लेके जाए कि 2023 में हमारे विकास पुरुष अशोक जी गहलोत साहब, जो हमारा सौभाग्य है कि हमें नेतृत्व मिला है, इनके नेतृत्व में पूरे हम कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, और 2024 में मोदी और अमित शाह को ये जो सांप्रदायिकता का जो है तेल छिड़क रहे, जगह जगह मॉब लिंचिंग करा रहे, इनका केंद्र में सूपड़ा साफ करके राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पुणे हम लोग कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। मैं एक ही बात कहूंगा, बलि हमेशा बकरे की चढ़ती है साथियों, शेर की कभी बलि नहीं चढ़ती। कांग्रेस पार्टी के युवा, हमारा कार्यकर्ता, हमारी माँ और बेटी, हम लोग कांग्रेस के सिपाही है। जब गांव गांव में हमें इंग्लिश स्कूलें दे रही है, इसलिए कायर आदमी दिन में 100 बार मरता है और बहादुर आदमी जिंदगी में एक बार मरता है, और मरने के बाद भी जगदीश जी और नानू जी की तरह उनकी प्रतिमाएं लगती है। इससे हम महात्मा गांधी के शिष्य हैं, जिनका नारा था याद करो 1932 में इंग्लैंड के सम्राट ने बुलाया महात्मा गांधी को और कहा कि जब वो पेश हुए तो उनके कपड़े नहीं थे, तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि हमारे कपड़े तो इंग्लैंड आज चुरा के लिए हैं। वो था 56 इंची का सीना, आज ये नकली 56 इंची के सीने चाइना हमारा 2000 किलोमीटर और घुस गए अंदर। इसलिए इन नकली लोगों से बचना है और इनका सूपड़ा साफ करना है। और 23 में अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में आप लोगों को कंधे से कंधा मिला के और कांग्रेस की सरकार बनानी है। आप सब बना रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।